चारों तरफ लड़का दौड़ना शुरू कर दिए और कहीं ना कहीं हाथी उल्टा हम लोग को अटैक कर रहे हैं। और ये देखिए हाथी, आप लोग ये देखिए हाथी, ये देखिए हाथी हाथी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कालीचरण और आप सभी का स्वागत है मेरे कालीचरण ऑफिशियल ब्लॉग में। और अभी 6 बज रही है और अभी हमारे खेत में हाथी आया हुआ है, हाथी दान खा रहे हैं। मुझे न्यूज मिला है तो देखते हैं आगे, दया करके देखते हैं कितना सच्चा है कि झूठा है। आप लोग लाइन पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरा यहाँ जो हम लोग का खेत है पूरा हाथी निकला हुआ है, अभी धान सब खा रहा है और चारों तरफ हमारा गांव जो है पूरा तहलका मच गया, क्योंकि हाथी इतना जोर जोर से गूंज रहे हैं ना, चार हाथी आए हुए हैं। यहाँ जो हम लोग का जो खेत है, आप लोग देख रहे हैं, खेत को बचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ पूरा हाथी और हाथी है, चार पाँच, कितना पता नहीं, चार को का न्यूज आ रहा है, पता नहीं कितना को हाथी आया हुआ है। बट अभी जा रहे हैं, पास जा रहे हैं और आप लोग को सुनाई दे रहा है शायद हाथी का आवाज़ भैया, वो ना सुनाई दे रहा है, हाथी का आवाज़ जो सुनाई दे रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं और देखिए, चलिए तो हम लोग पूरा गांव जो है पूरा तहलका मचा हुआ, भगदड़ मची हुई है, अफरा तफरा मचा हुआ है हमारे आसपास में, क्योंकि जितना भी गांव के विलेजर जो लोग हैं, गांव के जितना भी लोग हैं सब इधर उधर दौड़ने लगे हैं और जो डरता है उधर घुस गए हैं। और हम लोग अपना खेत को बचाने के लिए, धान को बचाने के लिए जा रहे हैं, अगर नहीं बचाएंगे तो हाथी सब खा के ख़त्म कर देगा और हम लोग को फिर मुसीबत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अभी हाथी को भगाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं पूरी रात हो गया है और इसके मेरे पीछे है मार्शल, कुछ बोलो मार्शल। हाँ क्या बोलेंगे, हाथी दिखाएंगे आप लोग तो ठीक है, अगर दिखाने पाएंगे हाथी तो आप लोग लाइन पर बने रहिए, हम लोग पूरा पास से नज़दीक से दिखाएंगे। हम लोग को तो डर तो लग रहा है पर क्या करिए, धान को तो बचाना होगा। तो हम अभी जा रहे हैं, आप लोग लाइन पर बने रहिए। पूरा गांव में पूरा भगदड़ मच गई है पूरा, अभी क्योंकि शाम का समय है, अभी रात बज चुकी है, अभी रात हो चुकी है, 6:30 बज चुकी है, ऐसे भी गाँव के लोग जो है पूरा अफरा तफरी उधर उधर दौड़ने लगे हैं और जो जो डरता है वो तो अंदर की ओर चल पड़े हैं, घर के अंदर घुस गए। लेकिन हम लोग को भी डर लग रहा है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना खेत को बचाने के लिए हम लोग को हाथी को भगाना जरूरी है। और इसीलिए हाथी कहाँ पर कितना धान खा रहे हैं, आप लोग लाइन पर बना रहे। तो फ्रेंड्स, हम अभी खेत पहुँच गए हैं और यहाँ विलेजर भी इकट्ठा हुआ है, बहुत जनसंख्या में यहाँ इकट्ठा हुआ है और देखते हैं हम लोग हाथी को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, किधर में हाथी है। आप लोग लाइन पर बने रहिए और देखते हैं कितना क्या रिएक्शन हो रहा है, आप लोग लाइन पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग यहाँ आग को जला दिए हैं ताकि हाथी पास आने से डरे और पीछे हटने में मजबूर हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ आग को जला दिए हैं। और तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग एक ट्री को जला दिए हैं ताकि हाथी यहाँ से डर के भाग सके। और ये देखिए आप लोग कितना जल रहा है, पूरा आग हम लोग पूरा जला दिए हैं, लगा दिए हैं आग को इस ट्री में और पूरा जल रहा है। और ये देखिए हाथी, आप लोग ये देखिए हाथी। भागे 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 जल्दी जल्दी आगे तरफ। तो दोस्तों, हाथी पीछे हट गई है और कहीं ना कहीं वो कहीं झुंड में छिपा हुआ है। और हम लोग देखते हैं, टच मारकर देख रहे हैं, हाथी के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे, लाइन पर बने रहिए। ये देखिए आप लोग कितना यहाँ पर दहस दहस कर दिया है और धान इतना खाया है कि नहीं, लेकिन उतना कुचल के बर्बाद कर दिया है किसानों का, इतना मेहनत का सब बर्बाद कर दिया। ये देखिए सब कुचल के बर्बाद कर दिया, इतना मेहनत कि किसानों ने धान को उगाया था और ये फल भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हाथियों ने सब बर्बाद कर दिए। और ये देखिए चारों तरफ लड़का दौड़ना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं हाथी उल्टा हम लोग को अटैक कर रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी इतना डेंजरस पोजीशन में फंस चुके हैं, चारों तरफ है थे और हम भी दौड़ रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं हम भी। बाय गॉड, ये देखिए दो हाथी दोनों खेत में उतरे हैं, दोनों धान खा रहे हैं और हम बहुत ही नजदीक से दिखा रहे हैं, कुछ डर लग रहा है
ये देखिए दोनों हाथी आपको सर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम घर पहुंच गए और अभी बज रहा है 10। और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग हाथियों से कैसे मुकाबला करते हैं, क्योंकि मुकाबला इसलिए करते हैं अगर हाथी को हम लोग नहीं भगाएंगे तो हम लोग के लिए कुछ बचेगा नहीं, सब खा के ख़त्म कर देगा और हम लोग फिर जीने के लिए मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसी से हम लोग का आजीविका चलता है, खाते हैं, खाने को मिलता है, और वही सब हाथी सब खा के ख़त्म कर देगा तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हाथी से मुकाबला करना पड़ता है, अपने जान को खतरे में डालकर हाथी को भगाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को आप लोग को कैसा लगा ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर मेरे वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि इतना रिस्क करके वीडियो को उठाते हैं, अपना जान को जोखिम में डाल करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जोहार, गुड नाइट।